बेगम कुलसूम नवाज का सफर आखिरत, मैयत अभी तक शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के सर्दखाने में मौजूद। जाति उम्रा में फजा सोगवार, रिकत आमीज मनासिर। मरियम नवाज चचा शहबाज शरीफ के गले लग कर रोती रही, भतीजी को दिलासा दिया। बेगम कुलसूम नवाज का आखिरी दीदार करने के लिए खवातीन और मर्द कारकुनों की बड़ी तादाद जाति उम्रा पहुंच गई। रोके जाने पर सिक्योरिटी एहलकारों से तूतकार, कारकुन रुकावटें तोड़कर मेन गेट पर पहुंच गए। जरा आंखें खोलो कुलसूम बाबूजी, कुलसूम बाबूजी। मैयत को जनाज़गाह ले जाने से कबल घर लाया जाएगा। नवाज शरीफ, उनकी वालिदा और घर के अहले खाना आखिरी दीदार करेंगे। जस्ते खाकी जाति उम्रा ले जाने के लिए एम्बुलेंस पहुंच गई। अहलकार फूलों की चादर चढ़ाने के लिए सर्दखाने के बाहर मौजूद। शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड में नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल। मौलाना तारिक जमील जाति उम्रा में मौजूद, शाम 5 बजे नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। तदफीन ससुर मियां शरीफ की कब्र के साथ की जाएगी। नमाज जनाजा के लिए खुसूसी इंतजामात, लाउड स्पीकर नर्स, सफों की निशानदही के लिए चूने से लाइनें लगा दी गईं। खुसूसी अफराद के लिए कतारें भी लगाई गईं। एमपीए मिर्जा जावेद और मेयर का जनाजगाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। नवाज शरीफ के साथ जो कुछ किया जा रहा है, जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। नवाज शरीफ से बड़ी कुर्बानी किसी ने नहीं दी, मेयर की गुफ्तगू। नमाज जनाजा के लिए आने वालों के लिए सुई गैस सोसाइटी में पार्किंग का इंतजाम। अड्डा प्लॉट से आने वाले भी सुई गैस सोसाइटी के अंदर से शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स आ सकेंगे। जाति उम्रा में सिक्योरिटी सख्त, बैरियर्स लगा दिए गए। 19 मुकामात पर पुलिस एहलकार तैनात। ताजियत के लिए आने वालों को जामिया तलाशी, एलीट फोर्स की 9 गाड़ियां पेट्रोलिंग पर मामूल। नवाज जनाजा में अहम सियासी और समाजी शख्सियात शिरकत करेंगे। वजीर आजम आजाद कश्मीर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही शिरकत करेंगे। खुर्शीद शाह, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ समेत पीपुल्स पार्टी का वक्त शरीक होगा। मियां महमूद रशीद और मियां असलम इकबाल समेत पंजाब काबीना के अराकीन शिरकत करेंगे। ईरानी काउंसिल जनरल भी शरीक होंगे। मियानी साहब कब्रिस्तान के बाद मियां मीर दरबार में भी हाथों के खिलाफ ऑपरेशन। हाथों की मिसमारी का काम जारी। जस्टिस अकबर कुरैशी ने हाथों की मिसमारी का हुक्म दिया था। मुल्की मामला चलाने के लिए खजाना खाली है। कर्जों पर रोजाना 6 अरब रुपए सूद अदा कर रहे हैं। करप्शन खत्म किए बगैर मुल्की तरक्की मुमकिन नहीं। ब्यूरोक्रेसी में सियासी मुदाखलत नहीं होगी। वजीर आजम इमरान खान का सिविल सर्वेंट से खिताब। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की पुलिस में भी इस्लाहात लाने का ऐलान। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की गवर्नर हाउस आमद। चौधरी सरवर से मुलाकात। मुल्की मामलात और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तब्दीली के एजेंडे पर कोई समझौता नहीं होगा। हमारे अमली इकदाम से तब्दीली सबको नजर आएगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात। सियासी और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेर सदारत सरगोधा मेडिकल कॉलेज के मामलात पर इजलास। सूबाई वजीर का कहना है कि तमाम मेडिकल कॉलेजेस में स्टाफ की कमी दूर की जाएगी। हुकूमत सरगोधा मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने की तजवीज पर गौर करेगी। कजाफी स्टेडियम में खातीन हाई परफॉर्मेंस क्रिकेट कैंप। वेमेन टीमों के दरमियान 40 ओवर्स पर मुश्तमिल प्रैक्टिस मैच जारी।